चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। उससे पहले आप आज का नज़ारा देख लीजिए, कुछ ऐसा हो रखा है आज का नज़ारा। आज की सुबह इन सबसे शुरू होती है। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शुभम गुसाई और आप देख रहे हैं टीम गुसाई। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। आप मेरे पीछे बैग देख रहे होंगे, आप सुबह से मेरी प्रक्रिया देख रहे होंगे कि ये कर क्या रहा है, ककड़ी तोड़ रहा है, चैन लगा रहा है, चल क्या रहा है भाई वीडियो में। तो बस यही है कि मैं पैकिंग कर रहा था सुबह सुबह अपनी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या कारण है कि जो मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मेरा जो ये रूट होने वाला है, जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गांव से दिल्ली के लिए, उसका आनंद लेना। और एंड में आपको बताऊँगा कि मैं किस लिए वहाँ गया। तो फिलहाल तो मैं अभी घर से निकल चुका हूँ और यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमारे एक लोकल मार्केट है चुंडाई, वहाँ से मुझे गाड़ी पकड़नी है कोटद्वार के लिए, और कोटद्वार से फिर मुझे बस पकड़नी पड़ेगी दिल्ली के लिए। तो फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ चुंडाई की तरफ, और चुंडाई में देखते हैं गाड़ी कितनी जल्दी मिलती है। मिलेगी पर कब मिलेगी वो मुझे नहीं पता। चलिए फिर चलते हैं। खुद को खोकर कैसे मैं खुद को पाऊं, कैसे खुद की पहचान बनाऊं, पहाड़ों से बहकर बना मैं मैदानी नाला, क्या करूं कि फिर से गंगा जमुना सा पावन। तो ये है चुंडाई मार्केट, हमारा लोकल मार्केट, मतलब जो हम थोड़ा बहुत सामान लेते हैं खाने पीने का तो यहीं से लेते हैं, यहीं से हम सारी गाड़ियां पकड़ते हैं हमें जो इधर उधर जाना होता है। तो यहीं पे मतलब गाड़ियों का हमारा मेन मार्केट है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो देख सकते हैं आप कैसे कैसे घटना होती है हमारे पहाड़ों में। तो जरा संभाल के गाड़ी चलाइए, नहीं तो आप देख सकते हैं क्या से क्या हो सकता है। तो ये ट्रक नीचे गिर रखा है यहाँ रोड से, तो इसे ऊपर खींच रहे हैं, तो शायद यहाँ से वो नीचे गिरा था। ये देख सकते हैं आप, जो रेलिंग लगी होती है रोड के किनारे, वो सीधा नीचे गिर चुकी है, ट्रक उधर खींच के उधर ले गए। तो ज़रा संभाल के चलाना जो कोई भी चलाते हैं, तो नहीं तो आप देख लो यार। तो ये अपना कोटद्वार है और बारिश भी जम के हो रही है सुबह से ही। अभी हमें बस अड्डे के सामने, ये कोटद्वार का मेन बस अड्डा है, यहाँ से ही हम सारी बसें पकड़ते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, हम सारी यहीं से करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सारी जगह की बस लग रखी है, ये कोई हरिद्वार की होगी, कोई दिल्ली वो फरीदाबाद वाली है, ये हरिद्वार वाली है, हरिद्वार श्री बद्रीनाथ, और जिसमें हम बैठे हैं ये है दिल्ली नोएडा और बिजनौर वाली बस है ये, तो इसमें हम बैठे हैं। सो फाइनल मैं पहुंच चुका हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है तो क्या ही बोले। तो जल्दीबाजी में मुझे बस भी मिल चुकी है, तो
आप देख सकते हैं पीछे, तो मैं बैठ चुका हूँ बस में और अब बस निकलेंगे हम जहाँ हमने जाना है। तो मैं आपको बता दूँ, हमने दिल्ली नहीं जाना, हमने नोएडा जाना है। नोएडा मोहन नगर गाजियाबाद, मेरठ मोहन नगर नोएडा। मुझे भी पता चला कि मुझे नोएडा जाना है और हमारे साथ हमारे टीम भाई आ रहे हैं मिलने के लिए, बट टीम भाई ने कॉल पकड़ लिया है, तो चलते हैं। मिलते हैं अब आपको नोएडा सिटी सेंटर, बाय। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समां देखेंगे निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, रंग रच दे तो। अभी हम पहुंच चुके हैं मीरापुर के सामने, तो थोड़ा यहाँ पे खाने के लिए बस रुकी है, ओ भाई साहब, और गाड़ियाँ एकदम चली रही है, आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो रही है, और मौसम यहाँ का मौसम काफ़ी वैसा है, कैसे गर्मी वाला है यार, धूप इतनी तेज लग रही है, गांव में तो एकदम ठंड वाला था, सुबह आपने देखा होगा बारिश पड़ रही थी, पर यहाँ एकदम खुला खुला मौसम है। दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो एक और जगह में रुकी है बस, मुरादनगर में, तो ये बस वाला दो जगह में रुका, जिसमें ऐसे बस एक एक जगह में रुकती है, बट इस वाले ने दो दो जगह में रुका है, तो काफ़ी बेहतरीन बात है ये भी। तो अभी तो यहाँ से नोएडा काफ़ी दूर है, एक घंटे का रास्ता है, तो मिलते हैं अब आपको आगे, तब तक वीडियो में बने रहिए और मेरे सफ़र का मज़ा लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ, मैं आपको भी दिला रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अब आपको आगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा सिटी में और रात का काफी टाइम हो चुका है, अभी पहुंचा हूं मैं ठीक 8 बजे, और अभी मुझे भाई आए हैं लेने के लिए, तो फिलहाल तो आप जा रहे हैं कमरे की ओर, तब तक आप नज़ारा देखिए क्या खतरनाक वाला हो रखा है। चलिए गाइस, 8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो जो हमारा सफ़र रहा वो काफ़ी बेहतरीन रहा, तो मैं दिन के 11 बजे बस में बैठा और शाम के 7 बजे में बस से उतरा, उस बस वाले ने इतनी लेट बस चलाई कि क्या ही बोले। तो अब मैं पहुंच चुका हूं कमरे में, तो अभी मैं फ्रेश हुआ और फिर से मैंने बोला एंडिंग करते हैं ब्लॉग की। सो गाइस, तो मैं जो आपको बोला था कि मैं एंडिंग में बताऊँगा कि क्या रीज़न था, तो वो रीज़न मैं आपको अभी सरप्राइज रहने दूंगा, धीरे धीरे ब्लॉगिंग के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा कि किस कारण मैं नोएडा आया। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।